इंदौर के भवरकुआ पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने कच्चे रास्ते से डीएवीवी जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के बाद फरार हो गया था। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्राओं से हुई छेड़छाड़ से नाराज प्रोफेसर और कुछ छात्राओं ने भवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी अड्डा क्षेत्र में रहने वाले मुकुल चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। जब छात्राएं कच्ची सड़क से यूनिवर्सिटी जा रही थी, उसी दौरान अकेला पाकर छेड़खानी कर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल के नंबर से आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कुछ टीचर्स और दो तीन महिला छात्र थाने पर आए थे, जिनके द्वारा शिकायत की गई कि कल दोपहर में जब छात्राएं अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने के लिए रोड से एक सूने रास्ते से कच्चे रास्ते से जा रही थीं, तब उस दौरान एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उनके साथ रास्ते में सूना पा करके छेड़खानी की घटना की थी। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए थे और उसके आधार पर एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल आइडेंटिफाई हुई थी और मोटरसाइकिल के आइडेंटिफिकेशन के बाद आरोपी की शिनाख्त हो गई और आरोपी मुकुल पिता कमल चंदेल निवासी गाड़ी अड्डा को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में धारा 354 और 354 डी आईपीसी की कायमी करके इसमें विवेचना की जा रही है। अभी मामला विवेचना में है, जानकारी ली जा रही है। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।